हाजी इब्राहिम सेठ साहब, हाजी यूसुफ साहब, डॉक्टर मोहम्मद साहब, डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब, यासीन सेठ, सदर साहब और आप सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथी, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलसल डेढ़ महीने से हम लोगों की जो मेहनत जद्दोजहद, आप लोगों ने जो टाउन दिया, आप लोगों ने जो मेहनत, आप लोगों ने जो फील्ड वर्क के ऊपर काम किया और आज जो आप लोगों ने कमान को संभाले रखा हर बूथ के ऊपर, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो इलेक्शन और वोटिंग हुआ है, अभी पूरी तरीके से कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ, कितनी फीसद हुआ, इसका आंकड़ा भी हमारे अपने पास नहीं आया। कई स्कूलों के अंदर अभी पोलिंग चल रही है, 8 बजे तक, 8:30 बजे तक पोलिंग हो सकता चलेगी और उसका जब पेटी वाइज कितना फीसद कहां पर मतदान हुआ, वोट हुआ, तो हम लोगों को नतीजा बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे देगा। लेकिन जिस तरीके से हमने पूरा इलेक्शन 1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं, भाई कदा आप लोगों के साथ में मैं हर घर घर गया, कोशिश किया कि शहर के हर घर जाऊं, लेकिन 80% मैंने घर को मुकम्मल किया, हर घर गया और जो टाउन आवाम का मुझको मिला, जो वादा उन्होंने मुझसे किया था, जब आज मैं दिन भर हर पोलिंग सेंटर के ऊपर जा रहा था, मैं कई लोगों से रास्ते में मालूमात भी ले रहा था, काफी लोगों ने मुझसे कहा कि आपको जहां से 10% वोट मिला करती थी, जहां से 5% वोट मिला करती थी, वहां से इंशाल्लाह आपको 30-35% वोट मिलेगी। छुपी हुई वोट है ये, बहुत छुपी हुई वोट है ये। पहली मर्तबा मैंने ऐसा इलेक्शन देखा, ये इलेक्शन समझ में नहीं आन दिया गया, इस शहर के आवाम ने समझा ही नहीं, किसी को समझे नहीं दिया कि ये इलेक्शन ये है, ये इलेक्शन ये होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। इसका मतलब साफ साफ है, अगर शहर की आवाम को अगर हमारे खिलाफ फैसला देना है तो शहर की आवाम एक बाजू चली जाती है और नजर आती थी कि हम इसके साथ हैं, आपके साथ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो वोट हमें पहले नहीं मिला करती थी, शहर की आवाम ने वो मैसेज शहर के अंदर दे दिया और उन लोगों को भी दे दिया कि आपकी ये पाकिट वोट नहीं रह गई, अब ये हम वोट कहीं दूसरी तरफ देने जा रहे हैं। ये पूरे इलेक्शन में दे दिया और यकीन जानो आज और कल भी कई फैमिली के, बड़ी बड़ी फैमिली के लोग मेरे पास आए, मैसेज किया, फोन किया, आज भी वोट देने के बाद कई लोगों ने फोन किया, मैसेज दिया मुझको मोबाइल के जरिए कि हमने इतनी वोट आपको दे दी, उतनी वोट दे दी, हमारे खानदान की इतनी वोट दे दी, उतनी वोट दे दी। इस बात से अंदाजा होता है कि हम लोगों को 30-35% वोट, एक एवरेज, यानी सिर्फ एक इलाके का नहीं, एक एवरेज, जहां हमें वोट नहीं मिला करती थी वहां पर
हम लोग 30-35% वोट लेकर जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जहां से हम लोगों को पहले लीड रहा करती थी 2014 में भी लीड रही, और इंशाल्लाह आज जिस तरीके से हमारे वर्करों ने, आप लोगों ने जो पुलिंग को संभाल के रखा और जो फीसद आप लोगों ने बढ़ाया, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर जहां हमारा वोट बैंक था, जहां हमारा अपना लीड पर हम रहा करते थे, पिछली वोटिंग से ज्यादा फीसद हम लोगों को भी बढ़ा है और उस इलाके के अंदर भी फीसद बढ़ा है, ये फीसद बढ़ा हुआ है। यानी मैं समझता हूं कहीं 70 जाएगा, कहीं 72 जाएगा, कहीं 75 जाएगा, कहीं 80 भी कोई कोई पेटी क्रॉस करेगी, 80 तक जा सकती है, एक अंदाज है मेरा, ये बिल्कुल साफ तौर पर मेरे अंदाज है कि वो जा सकती है। लेकिन अगर फीसद बढ़ा तो मैं ऐसा मानता हूं कि एनआरसी का जो मौजू हर सियासी पार्टी ने अपने जलसे से उठाया था, तो एक बेदारी जबरदस्त, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना उमरैन साहब ने जो मीटिंग रखी थी और जो मस्जिदों के अंदर पॉम्पलेट पड़ा गया, तो इस हिसाब से एक बेदारी शहर के अंदर आ चुकी थी। और वोट देने के लिए पहली मर्तबा हम लोगों ने देखा कि बिना रिक्शा के भी घर की औरतें, हमारी बहनें बाहर निकली और वो पुलिंग के ऊपर जाकर उसने वोट दिया। और मैंने तो ये भी देखा कि जहां पर वो वोट देने जा रहे थे उससे करीब में कोई जिराक्स की मशीन थी, मैंने ये देखा मेरी आंखों से, तो वहां पर भी लाइन लगाकर स्लिप, जो बीएलओ की स्लिप, जो हमारी अपनी स्लिप थी, उसका भाई कहता जिराक्स करके, लेमिनेशन करके, वो एक रिकॉर्ड अपने पास रखे और उसके बाद वोट देने के लिए। इस वजह से परसेंटेज बढ़ा। और दूसरी वजह, 2014 में 2,63,000 ही वोट थी हमारे असेंबली हल्के में, आप बात समझ, उस वक्त 71% पोलिंग हुई थी 14 में शहर की एक औरेंज। लेकिन इस मर्तबा वोट बढ़ी हुई है, 63 से 293 तक वोट चली गई, 31,000 वोट शहर की नई बढ़ी हुई है। जाहिर सी बात है वोट बढ़ेंगी तो फीसद तो बढ़ने ही वाला है, तो ये दोनों वजह है जो वोट बढ़ी है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से शहर की आवाम ने हमको इलेक्शन के पीरियड में जो हम लोगों को यकीन दिलाया था, भरोसा दिलाया था, और आज भी जब वो हमारा, आज भी मेरा मुझसे कई लोगों का, जिन लोगों ने भरोसा दिलाया, हमारी माँ बहनों का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को लेकर पुलिंग सेंटर पहुंची। और जब मैं उनसे मुलाकात के लिए जब पुलिंग के अंदर जा रहा था, या वो लाइन में लगी हुई थी माँ बहने, जब मैं उनसे सलाम दुआ किया, खैर खैरियत पूछा, तो उनके चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि वो हम लोगों को वोट देने के लिए खड़े, बिल्कुल चेहरे के तासुरात बता रहे थे। कुल मिलाकर जो वादा शहर के आवाम ने हमसे किया था, इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि चाहे वो सलम बस्तियां हो, चाहे वो पक्का इलाका हो, और चाहे सबसे बड़ी बात, चाहे हमारे बिरादरान ने वतन हिंदू भाई हो, जिन्होंने कलेक्टर पट्टे में भी रहने गए, कैंपों में भी रहने गए, समक्षेर में भी रहने गए, तो वो लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों से आके बायकायदा वोट की, और बायकायदा बीजेपी का कैंडिडेट होने के बावजूद भी 70% वोट हमको मिली है। चाहे वो 4,000 वोट भी गिरी तो उसमें 70% वोट हमें मिली है। दलित भाइयों की वोट जो बाहर चली गई थी, वो बायकायदा उन्होंने वोट देने के लिए मालेगांव आए, और बायकायदा उन्होंने कम से कम
एक 1500 से 1700 वोट उन लोगों ने भी दी। तो ये कुल कैलकुलेशन अगर हम देखें तो इंशाल्लाह 24 तारीख के दिन हमारी कामयाबी होगी। पूरा यकीन है, मैं आप लोगों से इतनी अपील करूंगा कि आप लोग बचे हुए 2 दिन में आप लोग दुआ करिए कि आपकी मेहनत अल्लाह कबूल कर ले और अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करे। आप लोग दुआ करिए और जिस तरीके से आज पीसफुल पुरअमन तरीके से हमने इलेक्शन को निकाला, बात समझ लो, सामने वालों ने नहीं निकाला पीसफुल अमन के तरीके से, हमने निकाला। वो तो हर जगह के ऊपर वो लोग लड़ाई करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हमारे वर्करों से लड़ाई हो जाए। आखिरी तक उन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की ताकि माहौल खराब हो जाए और माहौल खराब हो जाने से उनको फायदा मिल जावे, ये उन लोगों ने कोशिश की। लेकिन हमने पूरी तरीके से इलेक्शन को पूरा हमने रखा, आज के दिन को भी हमने रखा। आपसे अपील करता हूं कि आप लोग पूर्ण तरीके से, हम लोगों को बाकी का वक्त निकालना है और शहर के अंदर कोई भी पार्टी से, सामने वाली पार्टी के लोगों से लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी ऐसी बात ना हो कि शहर का अमन खराब हो। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप लोग पूरा अमन रहे, शहर को अमन के साथ रखे। मैं आपसे अपील करता हूं और आप लोग भी थके हुए हैं, कई महीनों से आप लोग भी थक रहे हैं, हम लोग भी सब थक रहे हैं और हम लोग भी 2 दिन 2 रात से हम लोग भी मुसलसल सब लोग जागे हैं। आप लोग भी आराम करिए, हम लोग भी रात भर आराम करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, फिर तबसरा होगा, एग्जिट पोल आएंगे, अलग अलग एग्जिट पोल आएंगे, 2 दिन उसमें चलेगी, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी, अल्लाह की जान से उम्मीद है। मैं साहब की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, मैं आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस इलेक्शन को पूरा अमन तरीके से निकाला। आप लोगों ने मेहनत की और आपने इसलिए मेहनत की, इसलिए आप लोगों ने मुझको सपोर्ट किया कि शहर की तामीर और तरक्की हमको अजीज है। हमने तामीर की बुनियाद के ऊपर रोड मांगा, अवलुम सनत के काम किए, इसलिए हमने वोट मांगा, शहर को डेवलप की तरफ हम ले जा रहे इसलिए वोट मांगा। आप लोग जो सपोर्ट किया है, मैं आपका आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात को मैं यही खत्म करता हूं, शुक्रिया। और जिस अंदाज में लोग अपने घरों से निकले और आप सब ने मिलकर जो मेहनत की, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से पूरा यकीन और अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह पाक हमें जरूर 24 तारीख को कामयाबी अता फरमाएगा। और इस एतबार से भी हम कहना चाहिए कि मुतमईन हैं कि 5 साल पहले आसिफ भाई एक सादा शख्सियत के मालिक थे और एक एमएलए से उन्होंने मुकाबला किया था 5 साल पहले और वक्त के एमएलए को शिकस्त दे दी थी अपनी लीडराना सलाहियत की बुनियाद पर, जबकि अभी उनकी सलाहियत नई नई निखरी हुई थी। उसके मुकाबले में 5 साल होने के बाद आसिफ साहब ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, उर्दू घर से लेकर तमाम काम आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तमाम लोगों तमाम कामों से वाकिफ हो। आसिफ साहब ने जो क्यादत शहर की है, जिस तरीके से तमाम तबकात को लेकर चले हैं, आज आसिफ साहब एक बेहतरीन लीडर और एमएलए का मुकाबला एक साबिक एमएलए से था, जिन्होंने अपने 5 सालों में और इन गुजरे हुए 5 सालों में कोई भी छाप शहर पर नहीं छोड़ी थी। वो सिर्फ एमआईएम और असदुद्दीन अवैसी के भरोसे लड़ाई लड़ने के लिए निकले थे
मगर हम महसूस कर रहे थे कि अवैसी साहब का भी कहना चाहिए फैक्टर कहना चाहिए कि काम नहीं आया शहर में और उनके भी शख्सियत को लीडरशिप को शहर ने कबूल नहीं किया, MIM को भी लोगों ने कबूल नहीं किया और लोग इनके बहकावे में नहीं आए, ऐसा हमें अच्छे ढंग से महसूस हुआ आज दिन भर पूरे शहर का दौरा करने के बाद। और ऐसा लग रहा है कि आसिफ साहब 25 से लेकर 30,000 वोट या इससे भी ज्यादा हजार वोटों से आसिफ साहब इंशाल्लाह जरूर चुन के आएंगे, ये हम तमाम लोगों ने महसूस किया है। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं है बल्कि ये अपने दलायल है जो मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है। अब हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि अभी यहाँ से अपने आप को संभालना और बचाना इस एतबार से है कि बहुत सारे लोगों से चालू इलेक्शन में हमारी खटक गई होगी, तो हमें बर्दाश्त करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से मारपीट नहीं करना है। अभी भी यहाँ से लेके 4 दिन तक और उसके आगे तक हमको अपनी जो हमारी जो इमेज बनी हुई है अमन पसंद इमेज हमारी जो बन गई है कि आज देखो वो आंग पे आ रहे थे, हर जगह मालिक आंग पे आ रहा है, हर जगह माजिद आ रहा है, हर जगह वो लोग हमारे आंग पे आ रहे थे। हमारे किसी भी सिंगल साथी की शिकायत यहाँ तक नहीं आई है कि उसने किसी से लड़ाई या झगड़ा किया है। ये भी बहुत अच्छा मैसेज पूरे शहर में गया है, इस मैसेज को अपने को कायम रखना है। और ये लोग जो हमारे ऊपर झूठा इल्जाम गुंडागर्दी का लगाते थे, इन लोगों के ऊपर खुद उनकी कहना चाहिए इल्जाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पलट दिया है। और यहाँ से भी हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपस में ताल्लुकात को बेहतर बनाना। इलेक्शन 4 दिन का था, चला गया, पेटी बंद हो गई। आप क्या है, सबसे अपना दिल साफ कर लेना है, लड़ाई खत्म कर देना है। अगर हमारे किसी दोस्त से हमारे इख्तलाफ राय हुआ होगा, किसी भाई से हुआ होगा, किसी रिश्तेदार से हुआ होगा, अल्लाह वास्ते अपने दिल से वो तमाम इख्तलाफात और तमाम चीजें हमको निकाल देना है, अपना मन साफ कर लेना है। इसलिए कि हम हार भी जाते तो अल्लाह का करम था, मगर अल्लाह ने तो इतना बड़ा करम किया कि हमें अल्लाह ताला ने जिता दिया। तो इसलिए हमें बड़ेपन का सबूत देना है, आला जर्फी का सबूत देते हुए किसी भी तरीके के मामले को खराब, रिश्तों को खराब नहीं करना। हम तमाम लोग, मैं आपको तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जानिब से, शेख रशीद साहब की जानिब से, आसिफ साहब की जानिब से मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी यूसुफ साहब नेशनल वाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने तासुरात का इजहार करें। कांग्रेस पार्टी के वर्कर जिम्मेदार MLA शेख आसिफ, शेख रशीद साहब, हाजी मोहम्मद इब्राहिम से, क्या आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी दिगर पार्टियों के मिलाप से जो उम्मीदवार तय किया गया था शेख आसिफ, शेख रशीद साहब, आप लोगों की जो मेहनतें 24 तारीख को इंशाल्लाह रंग लाएगी। और जहां तक के हमारा तजिया है कि अल्लाह ताला फिर से एक बार कामयाबी से हमें नवाजेगा। डॉक्टर साहब आइए ना, डॉक्टर मोहम्मद आइए ना, आइए सर। और जहां तक के मालेगांव शहर में अजबियत पास्ती का जो दौर चल रहा था, इस इलेक्शन में वोटर आजाद ने कहीं भी अजबियत पास्ती अपनी बताई नहीं, ऐसा हमने महसूस। और MIM जैसी पार्टी जो अपने आप को मुसलमान का ठेकेदार समझती है और वो कहीं से भी मुसलमानों का काम करने वाली पार्टी नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुसलमान नंबर ऑफ MLA, नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर को कम करने के लिए RSS की, भाजप की थ्योरी के ऊपर उन्होंने काम किया। आप देखो अभी जो ये आसिफ साहब चुन गए थे, 9 आमदार है खाली असेंबली के अंदर, कितने 9 आमदार है, इसके पहले हमारे 27 आमदार थे, इनकी वजह से घट करके कितने कम हो गए, 18 कम हो गए। अभी इन्होंने फिर असेंबली के अंदर सिर्फ मुसलमानों के सामने उम्मीदवार, अब तुमको मालूम है कितने कम होने वाले, कम से कम ये 9 में से 6 और कम होने वाले, चुन के खाली 3 ही जाने वाले, उसको देख अपना मालिक आओ। तो ये सूरत हाल है MIM की। तो ये जो है फिरका परस्त पार्टी है, जैसी BJP है वैसी ये पार्टी है। और आप लोगों ने जो मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा बहुत ही अच्छी मेहनत आप लोगों ने, अल्लाह ताला इसका
آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر دے، اور آپ لوگوں نے جو شیخ آصف شیخ رشید صاحب کے لیے کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی، انشاءاللہ. اور شکریہ صاحب کا.